Yeah, I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impact. Past painful scars, in fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact, don't ask, grab reactions, jacked, attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है 2022 जिक्सर एसएफ 155 के ऊपर। सो इस वीडियो में आपको एक पूरा इस बाइक के बारे में डिटेल वॉक अराउंड शेयर कर दूंगा। सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस बाइक के बारे में मिल जाएगी और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एक बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाली बाइक है, लेकिन ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से इस बाइक के जो सेल्स नंबर है वो इतने खास नहीं आ पाते हैं सुजुकी की तरफ से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले की से। सो इस बाइक की में सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा और ओवरऑल जो की फिनिशिंग है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बाइक की आपको ये देखने को मिलने वाली है। सो अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात करना चाहूँ तो जो टिपिकल स्पोर्ट्स बाइक का डिज़ाइन है वही डिज़ाइन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो इस बाइक की फेयरिंग है फिर जो श्राउड्स है इस बाइक में वो आपको काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर देखने को मिलेंगे। है तो वैसे ये 150cc की बाइक, लेकिन अगर आप इसे दूर से आते हुए देखोगे तो ऐसा लगेगा कि 300 या फिर 400cc की बाइक आ रही है। सो ओवरऑल जो इस बाइक का रोड प्रेजेंस है वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएगा। और अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी अच्छी बाइक होने वाली है। सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट में इस बाइक में आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। सो इस बाइक का जो हेडलाइट का थ्रो है वो आपको नाइट में काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं साइड में आऊँ तो इसमें जो कन्वेंशनल बल्ब वाले इंडिकेटर होते हैं वो इंडिकेटर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कोई भी LED इंडिकेटर आपको इस बाइक में देखने को नहीं मिलने वाला है। सो अगर मैं रियर टेल लाइट के बारे में बात करना चाहूँ तो रियर में इस बाइक में आपको बूमरैंग शेप टेल लाइट देखने को मिल जाएगी। सो रियर से इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा एनहेंस लुक ये कर देती है जो LED टेल लाइट है। सो अगर मैं टायर्स के बारे में बात करना चाहूँ तो फ्रंट में इस बाइक में आपको 100x80 सेक्शन का 17 इंच का फ्रंट टायर देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट टायर्स और रियर टायर में आपको ये रेड कलर का स्टिकर भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी हद तक इस बाइक के जो पेंट स्कीम है उससे भी मैच करता है। और अगर मैं रियर टायर के बारे में बात करना चाहूँ तो रियर में इस बाइक में आपको 140 सेक्शन का 17 इंच का रियर टायर देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक में आपको MRF के टायर देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल जो ग्रिपिंग है इस बाइक की, टायर से जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। वेट सर्फेसिस पर भी काफ़ी अच्छी ग्रिप ये टायर्स आपको ऑफर कर देंगे। सो नेक्स्ट अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करना चाहूँ तो फ्रंट में इस बाइक में आपको कन्वेंशनल जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होते हैं वही देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं रियर सस्पेंशन के बारे में बात करना चाहूँ तो रियर में इस बाइक में आपको गैस चार्ज मोनोशॉक देखने को मिल जाएगा। सो अगर मैं सस्पेंशन के फीडबैक के बारे में बात करना चाहूँ तो काफ़ी हद तक सॉफ्टर साइड पे आपको इस बाइक का सस्पेंशन सेटअप देखने को मिल जाएगा। सो जो भी सिटीज़ में पॉट होल्स या फिर अनसर्टेनिटीज़ आती है वो काफ़ी अच्छे से सस्पेंशन एब्जॉर्ब कर लेता है और आप तक कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करता है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा प्लश राइड आपको सिटी में इस बाइक से देखने को मिल जाएगी। सो इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छी पावर देखने को मिल जाएगी। सो उस पावर को रोकने के लिए काफ़ी अच्छे ब्रेक्स भी होना बाइक में बहुत ज़रूरी है। तो फ्रंट में इस बाइक में आपको 260mm का फ्रंट डिस्क देखने को मिल जाएगा और रियर में इस बाइक में आपको 240mm का रियर डिस्क देखने को मिल जाएगा विद सिंगल चैनल EBS। सो इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक का टेस्ट राइड रिव्यू शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा चलाया हुआ है। सो अगर मैं ब्रेक्स के फीडबैक के बारे में बात करना चाहूँ तो काफ़ी अच्छे ब्रेक आपको इस बाइक में मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा श्योर फुटेड बाइट इन ब्रेक्स की आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो रियर ब्रेक है वो मुझे थोड़ा स्पॉन्जी लगता है। और रियर व्हील इस बाइक का लॉक भी हो सकता है अंडर हार्श ब्रेकिंग कंडीशन में, क्योंकि जो ABS है वो सिर्फ फ्रंट व्हील में ही ऑपरेशनल रहने वाला है। सो अगर मैं इंजन के बारे में बात करना चाहूँ तो पावरिंग द जिक्सर 155 इज़ द सेम ओल्ड 155cc सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड FI मोटर विच विल प्रोड्यूस अराउंड 13.6 PS ऑफ पावर एट 8000 RPM एंड 13.8 Nm ऑफ टॉर्क एट 6000 RPM एंड दिस कस्टमेटेड टू अ 5-स्पीड गियरबॉक्स। सो अगर मैं परफॉर्मेंस या फिर पावर के बारे में बात करना चाहूँ तो इस बाइक में आपको डिसेंट पावर देखने को मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ओवर द टॉप आपको इस बाइक से पावर देखने को मिलेगी। सेगमेंट लेडिंग बिल्कुल भी नहीं है ये बाइक, और सेगमेंट लेडिंग में सबसे ज़्यादा जो पावर है आपको वो V4 में देखने को मिलती है, R15 V4 में। लेकिन अगर आप इस बाइक को सिटी कम्यूट से फिर डेली यूजेज के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो सफिशियंट पावर आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगी। 80-100 आराम से आप इस बाइक को भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक मामले में जो कंपटीशन से आगे निकल जाती है वो है इंजन स्मूथनेस। इंजन स्मूथनेस और बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन आपको इस बाइक का देखने को मिलने वाला है। और इस बाइक की जो पावर है वो हर रेव बैंड में आपको इक्वली देखने को मिलेगी। जैसे कि आपने काफ़ी बाइकों में देखा होगा कि जो पावर है वो सिर्फ आपको मिड रेंज या फिर टॉप एंड में देखने को मिलती है, लेकिन इस बाइक में जब भी आप थ्रॉटल दोगे तो हर रेव बैंड में आपको सेम ही पावर देखने को मिलेगी। वेदर इट्स लो एंड, मिड रेंज या फिर टॉप एंड, हर जगह आपको काफ़ी अच्छी पावर देखने को मिल जाएगी। सो सुजुकी ने काफ़ी अच्छा ये इंजन डिज़ाइन करा है।
सो अगर मैं रिलायबिलिटी के बारे में बात करना चाहूँ तो आई थिंक सो आप सबको पता ही होगा कि सुजुकी एक जैपनीज़ ब्रांड है और जैपनीज़ को पता है कि एक इंजन कैसे बनाया जाता है और उसे लॉन्ग टर्म में कैसे सस्टेन किया जाता है। तो रिलायबिलिटी के मामले में आपको कोई भी दिक्कत इस बाइक से नहीं आने वाली है। और अगर मैं इसके कॉम्पिटिशन से कंपेयर करूँ तो ओवरऑल जो इस बाइक का मेंटेनेंस है फिर जो सर्विस कॉस्ट है वो भी आपको कम ही पड़ने वाला है अगर आप इस बाइक को कॉम्पिटिशन से कंपेयर करें तो। ओवरऑल एक काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली बाइक आपके पास रही है होने वाली है। और अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर इनिशियली अब आपने एक जॉब स्टार्ट की है तो ये काफ़ी अच्छी बाइक आपके लिए हो सकता है और ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है बाइक आपके लिए रहने वाली है। सो नेक्स्ट अगर मैं सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करना चाहूँ तो काफ़ी अच्छा सीटिंग कंफर्ट आपको इस बाइक से देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो इस बाइक की कुशनिंग है फिर जो सीट का कंफर्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। सो इवन अगर आप इस बाइक को बहुत ज़्यादा सिटी राइड्स के लिए यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल भी आपको थकान महसूस नहीं होने वाली। इवन जो पिलियन सीट है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलने वाली है और पिलियन सीट की जो जगह है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर इवन आपकी मॉम भी अगर पीछे बैठेगी तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलेगा और ग्रैब हैंडल भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और इवन जो ग्रैब हैंडल की पोजीशनिंग है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। सो रियर पिलियन आराम से इसे पकड़ के काफ़ी दूर तक भी बैठ सकता है। सो नेक्स्ट अगर मैं ग्राउंड क्लीयरेंस के बारे में बात करना चाहूँ तो इस बाइक में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाएगा। सो काफ़ी हद तक जो स्पीड ब्रेकर है वो आराम से एक बाइक क्लियर कर लेगी, लेकिन हमें पता है कि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर भी होते हैं तो उन पर आपको थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा। अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हो तो थोड़ी जगह पर स्क्रिपिंग हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा बड़ा स्पीड ब्रेकर आप इनकाउंटर करते हो। सो नेक्स्ट अगर मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करना चाहूँ तो इस बाइक में आपको 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। इससे ही एक टिपिकल इंडियन क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बाइक हमें कितना माइलेज प्रोवाइड करने वाली है। सो अगर आप इस बाइक को डिसेंटली और एक सिटी स्पीड में राइड करेंगे तो ये बाइक आराम से आपको 45 से 50 तक का भी माइलेज दे सकती है, क्योंकि इंजन परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा डिसेंट आपको इस बाइक की देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा माइलेज ये बाइक आपको प्रोवाइड कर देगी। सो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि हु शुड बाय दिस बाइक। सो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में ही बताया था कि इस बाइक के सेल्स नंबर कोई इतने खास नहीं आ पा रहे हैं सुजुकी की तरफ से। सो उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि इस बाइक के जो इंजन परफॉर्मेंस है वो आपको डिसेंट देखने को मिल जाती है और इवन जो इस बाइक के लुक्स है वो 2-3-4 साल से सेम ही चलते हुए आ रहे हैं। तो सुजुकी को एक इस बाइक का एक न्यू वर्जन लॉन्च कर देना चाहिए, अपग्रेडेड वर्जन, जिसमें कि जो कॉस्मेटिक लुक्स है बस वो चेंज कर दे, इंजन वही रहने दे सेम, क्योंकि इंजन काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। सो अगर आपको एक बाइक चाहिए जैसे कि आप मेनली सिटी के मूड्स करना चाहते हैं, पॉइंट से पॉइंट भी तक जाना चाहते हैं और इवन इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, सर्विस कॉस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे हो और इवन उसका माइलेज काफ़ी अच्छा हो, तो आप आग बंद करके इस बाइक को ले सकते हैं। और अगर आपको लेकिन अगर आपको एक बाइक चाहिए जिससे कि आप प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाला या फिर ट्रैक डेज इंजॉय करना चाहते हैं तो R15 V4 या फिर RC 200 काफ़ी अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि उनकी जो राइडिंग पोजीशन है वो भी आपको थोड़ी कमिटेड देखने को मिलने वाली है और इवन उनका जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। सो नेक्स्ट अगर मैं इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करना चाहूँ तो ये बाइक स्टार्ट होती है 1,31,480 रुपीज़ एक्स शोरूम से। सो ऑन रोड आप अपने नियर सुजुकी डीलरशिप पे विजिट कर सकते हैं और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस पता कर सकते हैं। सो बस ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज रेव हार्ड रेव फ्री। बाय।